ओम ज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवश्रिते नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्प्रिये गोपेश गोपिका कान्त तप्त कांचन गौरवाणी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वृंदावने कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौरवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गर्मी लग रहा है नितलीला प्रविष्टं विष्णु पादतेज नितलीला प्रविष्टं विष्णु पाद अष्टोदरसते श्री 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 माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्टं विष्णु पाद अष्टोदरसते श्री 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 माधु भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। श्री नीलांबरी और माता जी का नाम जगत मोहिनी। आज इन्होंने सब वैष्णवों को अपना घर में निमंत्रण दिया है। आज हमारे घर में कथा और भगवत कीर्तन होगा। पिछले भागवत में बताया बोले महाकवि चलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रसाय भगवत अन्यथा कल्पते क्वचित। तो जिस समय श्री गर्गाचार्य श्री नंदा बाबा का घर में आए तो ये श्लोक श्री नंद बाबा ये बात को कह रहे हैं। कदी नंद बाबा कौन है? कद भगवान कृष्ण का पिता है। इसलिए भगवान कृष्ण का पिता ये वैष्णव संघ की महिमा और घर में साधु क्यों आते हैं ये स्वयं नंद बाबा ये बात को कह रहे हैं। लोग क्या कहते हैं? बोले महत विचरणाम नृणाम गृहिणाम दीन चतसाम। कहते साधु लोग घर में क्यों आते हैं? साधु लोगों को घर में आने का क्या जरूरत है? क्या हमसे कुछ लेने के लिए आते हैं? कहते नहीं, लेने के लिए नहीं, कहते हमें कुछ देने के लिए आते हैं। हमें कुछ देने के लिए आते हैं। इसलिए कहते जब तक घर में भक्त लोग नहीं आए, घर में हरि कीर्तन नहीं हो, घर में हरि कथा नहीं हो ना, कहते वो घर घर ही नहीं है। अगर घर में साधु लोग नहीं आएंगे तो कौन लोग आएंगे? बोले शराबी आएंगे, जुआरी आएंगे, हाँ मांस खाने वाले आएंगे, और क्या होगा? जिस घर में भक्त लोग आ रहे हैं उनकी केवल उनकी घर में ही
ये ज्वारी गंजड़ी भंगड़ी और वही नहीं आते हैं। जितने सब घर में देखो, जिस घर में साधु नहीं आते घर में कौन आते हैं? जितने अतिथि आते हैं वो सबके सब शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, मछली खाने वाले, सिगरेट फूंकने वाले, यही यही व्यक्ति आते हैं। इसलिए साधु नहीं आएंगे तो यही लोग घर में आएंगे और कौन आएगा। इसलिए यहाँ पर श्री नंद बाबा कहते हैं कि जब जीव का परम सौभाग्य उदय होता है, हैं? परम सौभाग्य बोले भवा अपवर्ग ब्रह्मेत जदा जनस्य तहिरि अच्युत सत समागम। जीवन में भक्तों का दर्शन जीवों को कब प्राप्त होता है? कद जीव जब भगवान से बिछोड़ करके, जब जन्म जन्मांतर भटकना नहीं, अभी हमारा समय हो गया भगवत धाम प्राप्त करने का, भगवत धाम जाने का समय आ गया है, सारे दुख कष्ट हमारी समाप्त तो हो गई, बोले तहिर अच्युत सत समागम, तभी जीवन में भक्तों का दर्शन, भक्तों का संग, तभी जीवन में ये हरि कथा सुनने को तभी मिलता है, नहीं तो उसको पहले भक्तों का दर्शन नहीं मिलता है। इसलिए भक्त दर्शन हो जाए तो ये समझना हमारी बड़ा पार है, संसार का बंधन हमारी समाप्त हो गया है। वह कह रहे हैं आज तो हमारी भाग्य जग गया है। बोले क्यों? बोले आज घर में साधु आए, आज घर में भक्त लोग आए हैं। बोले आए क्यों? बोले गृहिणाम दीन चेतसा। वो कह रहे जो गृह व्यक्ति दिन भर क्या करते हैं बताओ, सवेरे से लेकर के सोने तक घर में आटा है कि नहीं, नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, है? देखना सवेरे से लेकर के सोने तक सारी चिंता किस में है? आटा नमक दाल सब्जी, अब इसी में ब्रेड बटर है कि नहीं। देखना सवेरे से लेकर शाम तक, सवेरे से उठते ही यही चिंता, सोने से पहले यही चिंता करते करते उठते हैं, और सवेरे उठते फिर वही दाल नमक रोटी सब्जी है कि नहीं, बाहर दिन भर उनका जीवन ऐसे बीत जाती है। इसलिए कहते गृहिणाम दीन चेते साम, कहते जो गृह व्यक्ति है उनका जो चित है ना, कहते बड़े संकुचित हृदय इनका है, हैं? केवल घर गृहस्थी में ही अपना जीवन को बिता देते हैं और मर जाते हैं। लेकिन साधु लोग क्यों आते हैं घर में, हैं? कारण क्या है? कारण इसलिए साधु लोग आते हैं, बोले जीव जाग गोरा चांद बो कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले भाजी बाबुली आए से संसार भितारे बोलिया रही ले तुम्हें अविद्या रे तो मारे लई ते आमी हाई नो अवतार आमी बिना बंधु बोलो के आछे तुमार। इसलिए साधु इसलिए आते हैं, बोले जीव जागो बोले जगो, कब तक सोते रहोगे मोह माया की नशा में, कब तक जगे रहोगे? बोले तो हम तो जगे ही है, कहते हम तो जगे हुए हैं, कहाँ सोए हैं? बोले नहीं, माया पिशाची की गोद में तुम सोया हुआ हो। जगना किसको कहते हैं? बोले जगना उसे कहते हैं जब ये जीवन पा करके ये समझ जाए ये जीवन क्यों दिया है, क्या रहस्य है, किस लिए हमें भगवान ये मानव शरीर दिया है। इसलिए जगना उसे कहते हैं, किसको कहते हैं जगना? जो जीवन में भगवान की भजन कर रहे हैं, वही व्यक्ति केवल जगे हुए और सबके सब संसार में सोए पड़े हुए, सबके सब संसार में सोए पड़े हुए। देखो एक समय एक व्यक्ति एक गांव में गया, जो गांव में गया देखा गांव को बाहर में जैसे श्मशान घाट होता है ना, जहाँ पर क्रेमेटेरियन श्मशान घाट होता है, और जो जो लोग मरे हुए उसको ऊपर में छोटी छोटी मंदिर बना हुआ, छोटी छोटी मंदिर बना हुआ, लेकिन उसमें उम्र जो लिखा हुआ था किसका 5 साल, किसकी 10 साल, किसकी 6 साल, किसकी 15 साल, तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले ये गांव में क्या लोग 8, 10 साल, 15 साल जिंदा रहते हैं? लेकिन जब वो गांव में गए देखा बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बूढ़े व्यक्ति है, कोई 10 साल के, कोई 50 साल के, कोई 80 साल के, कोई 17 साल के। बोले भैया ये गाँव में तो इतने इतने साल के लोग है,
लेकिन वो उसको ऊपर क्यों लिखा हुआ 15 साल 10 साल 8 साल 1 साल 2 साल ऐसे क्यों लिखा हुआ? तो उन्होंने गांव से पूछा, भैया ये क्या है? मैंने देखा गांव में घुसते समय तुम्हारी जो समाधि बनी हुई छोटी छोटी मंदिर, अमुक व्यक्ति ने 10 साल जिंदा रहा, उसने 8 साल 5 साल, इसका मतलब क्या है? लेकिन यहाँ तो देखता हूँ 80 साल 90 साल के भी लोग हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं, क्या देखो वो जो उम्र लिखा हुआ है ना, वो जब से उन्होंने ये भक्ति जगत में आया है, जितना दिन उन्होंने भगवान की भक्ति में लगाया है, इसलिए अगर कोई 8 साल से भक्ति में आया तो वो व्यक्ति 8 साल ही जिंदा रहा है, वो 80 साल तक जिंदा नहीं रहा, वो तो मरा है। हाँ, वो व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति है। इसलिए जो 10 साल तक मतलब है, उसने केवल भगवान की भक्ति का जीवन केवल 10 साल बिताया है। जिनका 5 साल का जीवन भक्ति का जीवन है आए, उनका जीवन केवल 5 साल लिखा हुआ है। इसका मतलब है जितना दिन केवल भगवान की भजन में लगाया वो उतना दिन तक ही जिंदा रहा, और भगवान की भक्ति में जो जीवन नहीं लगाया, भागवत में कहते ये श्लोक है, बोले जीवन चबो भगवत तरेंग्री। हाँ, ये भागवत का सुत गोस्वामी कहते हैं, जीवन सबो कहते जिंदा रहते हुए भी वो व्यक्ति मृत है, मरा हुआ है, वो व्यक्ति मरा हुआ। जीवन सबो बोले जीवित अवस्था में भी वो सब है, वो मरा है। बोले कौन है? जिसने जीवन पा करके भगवान की भजन नहीं किया वो जिंदा नहीं। बोले श्वास ले रहा है, वो देख रहा है, सुन रहा है, बोले सुनने पर भी कहते वो व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति है। इसलिए उससे ही ये जीव जिंदगी कहते हैं, जितना जीवन हम भगवान की भजन करते हैं उतना समय ही जिंदा, उतना समय ही हमारा सही जीवन बिता, नहीं तो हमारा जीवन एलो आर गेलो। भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, नित्ताई बोले सही पापी एलो आर गेलो, वो केवल आया और संसार से गया, और आया और संसार से गया, और कुछ नहीं हुआ उसका जीवन में। इसलिए उसी जीवन को धन्य माननी चाहिए जितने समय हम भगवान की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एने ची औषधि माया ना सिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लह तो मि मागी, भकति विनोद प्रभु चरणी पड़िया, सही हरि नाम मंत्र लैला मागिया। इसलिए श्री भक्तिवरण ठाकुर कहते हैं, ये भवसागर से अगर कोई मुक्त बनना चाहते हैं, मैंने दवा लाया है, और जो दवा बड़ा मीठा दवा है, हैं वो बड़ी मीठी दवा, दवा बड़ी मीठी दवा लाया। कहते भैया दवा क्या है? कहते हरे कृष्णा महामंत्र है, यही केवल प्रभुपाद कहते हैं, और कोई कलयुग में उपाय नहीं भगवत प्राप्ति का केवल भगवान का नाम के सिवाय। इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इसमें तीन तीन बार उन्होंने बताए। तो प्रभुपाद के तीन तीन बार क्यों बताए? हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, और नीचे नहीं नहीं नहीं। भैया एक बार तो बोल सकते थे, वो तीन तीन बार क्यों बताए? बोलिए कलयुग का जीव है ना, एक बार बोलने से सुनने वाला नहीं है। अब देखना जितने सारे शास्त्र है, इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, एतत निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकूत भयम जोगी नाम निरप निर्णित हरे नामानुकीर्तनम। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, कलयुग से पार होने के लिए, दुख कष्ट से पार होने के लिए केवल ये की उपाय है, भगवान का नाम है, और जोगी नाम निरप निर्णित, जितने सारे वेद पुराण उपनिषद, जितने जोगी एक ही बात को हैं
एक बात को उन्होंने गला फाड़ फाड़ करके बताए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, भगवान का नाम ही एक है उपाय है जो भवबंधन से पार करने के लिए। लेकिन इतना बोलने हम दिन भर सुनते हैं तभी हमारी नाम में रुचि नहीं होती है, तब भी भगवान के नाम में हमारी रुचि नहीं होती है, कोई दूसरा चीज पा लिया ना बस प्रभु का नाम को। अगर किसी तरह से जैसे हम थोड़ी सी माला अगर जप करती हैं, मतलब 16 माला 8 माला करते हैं, अगर किसी कष्ट से अगर किसी तरह से 8 माला पूरी हो गया, 16 माला पूरी होगी ना, माला रखकर प्रणाम, भैया आज और नहीं अब रहो और नहीं बहुत हो गया, हाँ इसको प्रणाम कर लेते हैं, और नहीं भैया आज खत्म है। लेकिन अगर दूसरी चीज मिले, कोई सीरियल आए टीवी में सीरियल आए, देखना 3-3 घंटा आग फाड़ फाड़ कर देखेंगे, देखना 3-3 घंटा बैठ करके उसको आग फाड़, जो बेकार चीज है ये बताओ ये सिनेमा क्या है, झूठ मूठ चीज को एक रूपक दे करके एक बना दिया, लेकिन उसको 3-3 घंटा बैठ बैठ कर देख लेंगे, इसको 10 मिनट जब करो बोले खत्म नहीं हो रहा है, अभी रोटी ठंडा हो रहा है अभी तक तो खत्म नहीं हो रहा, माला भी खत्म नहीं हो रही। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद के भैया इसमें 3 बार क्यों बताए, बोले इसलिए बताए भैया ये कलयुग का जीव है, अगर इनको बोलो हरि नाम करने के लिए ना करेंगे नहीं है, इसलिए 3-3 बार बताए, बोले भगवान का नाम लो नाम लो नाम लो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि सहने की भोजने की बा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलभवदने, महाप्रभु कहते सोते उठते जगते हैं सब समय क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते प्रभुपाद कहते अगर किसी ने भगवान का नाम ले लिया ना, भगवान का नाम अगर किसी ने जप कर लिया, समझो तुमने सारे वेद पुराण उपनिषद सारे शास्त्र तुमने पढ़ लिया सारे शास्त्र, लेकिन अगर सारे शास्त्र पढ़ लिया लेकिन भगवान का नाम में ही रुचि नहीं हो रही, भगवान के नाम करने में इच्छा नहीं करता है, बोले भैया लास्ट में जीरो है, लास्ट में सबके सब लास्ट में जीरो है, सबके सब लास्ट में जीरो है, इसलिए क्या करनी चाहिए। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, हाथों में तो सेवा कर रहे थे और मुंह में क्या कर रहे थे, भगवान की नाम जप कर रहे थे, हाथों में काम और मुंह में भगवान की नाम जप कर रहे थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरि नामा श्रय करी जतन तुम्ही थाक अपन काजे, आश्रय किस चीज के आश्रय लो, बोले हरि नामा श्रय करी जतन तुम्ही, जतन पूर्वक हरि का नाम को आश्रय लो। इसलिए गुरुदेव कहते थे जैसे गोपियां है हाथों में घर में झाड़ू लगा रहे हैं, बोले क्यों झाड़ू लगा रही हैं, बोले कृष्ण आएंगे अगर घर में धूल पड़ा रहेगा तो उनको प्यार में लगेगा, इसलिए हम झाड़ू लगा रहे हैं घर को, कृष्ण को प्यार में धूल नहीं लग जाए। लेकिन इधर झाड़ू लगाते हैं लेकिन उधर मुंह में क्या बोल रही है, बोले गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दाम गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती, हे कृष्ण हे राम तब हे सखेती गोविंद दामो दर माधवेती। गुरुदेव के गोपियां छोंक दे रही हैं, तुम रोसी बनाया कि नहीं, रोसी बनाए उसमें देखना मिर्ची दो काला हो जाता है, जीरा दो काला हो जाता है, सरसों अगर छोंक दो ना काला हो जाता है, लेकिन उन्होंने देखा काले हो गया लेकिन याद किसकी आई है, वो काले की, किसकी याद आई, वो काले का कृष्ण की याद आया है। इसलिए उसको देख करके हर चीज में उनकी जो उद्दीपना है केवल कृष्ण का ही उद्दीपना, केवल कृष्ण कृष्ण छोड़कर कुछ उद्दीपना है नहीं। इसलिए हर काम में क्या करो, भगवान की नाम को दृढ़ पूर्वक भगवान की नाम को जप करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए भगवान का नाम को नियमित पूर्वक फिक्स करके, नाम को कैसे करनी चाहिए, फिक्स करके करो, इतना माला हमें करना ही है, हाँ
इतना वाला हमें करना ही है। इसलिए अगर मन इधर उधर भटकता है, जैसे तुलसी सामने तुलसी रख करके हरिनाम कर लो, नहीं तो ठाकुर को सामने बैठ करके हरिनाम कर लो। मन जो चंचल मन कभी भटकता है, ठाकुर को सामने बैठ करके कुछ हरिनाम करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ दिन तो भक्ति में आए हैं, कुछ दिन भक्ति में आए, लेकिन कुछ दिन बाद में दिखाई पड़ता है, बोले भैया अमुक व्यक्ति गया कहाँ, बोले है ही नहीं, वो दिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है, हैं। और कभी कभी होता है गुरु जी के पास में आए, गुरु जी से कंठी लिया, माला लिया, हरिनाम लिया, फिर जब पूछते हैं भैया वो कहाँ गया, वो व्यक्ति अमुक व्यक्ति दिख नहीं रहा है, बोले सब भजन भजन छोड़ दिया, तिलक कंठी माला सब छोड़ दिया। हाँ तो प्रभुपाद कहते भैया ऐसे क्यों होता है, उसमें कारण क्या है, आकर के फिर ये भक्ति को फिर छोड़ देता है क्यों, कारण क्या, फिर कारण बताए, जो हरिनाम है ना, हम ठीक ठीक से हरिनाम नहीं करते। कभी कभी बोलते हैं हम इतना दिन हो गया हमने माला, जबकि माला तो काला हो गया पूरा, हाँ ये माला काली हो गया, लेकिन अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हाँ अभी तो हमारे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अभी बताओ कमी किस में, कमी हमारी में है ना, कमी भगवान के नाम में, किस में कमी है, कमी हमारी अंदर में ना, कमी भगवान के नाम में कमी है, कहते कमी अपना अंदर में, क्योंकि जैसे भजन करनी चाहिए, इसलिए महाप्रभु कहते हैं जरूप लय ले नाम प्रेम उपजाए, नाम करने से हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, कैसे उसको उपाय को राम राय, उसको उपाय को श्रवण करो। इसलिए देखो अगर जीवन में भी सचमुच से हृदय से हैं, अगर सचमुच से हृदय से अगर हम हरिनाम करेंगे ना, कहते हम तो हरिनाम करते हैं, हमारी ये अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है, हमारे अंदर में ये अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है, कारण है कहते सही सही हरिनाम नहीं करते हैं। इसलिए हरिनाम करते समय नियम है, इसलिए रो रो करके हरिनाम करनी चाहिए, हैं हृदय से पुकार पुकार करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखो रो रो करके ठाकुर को सामने, नहीं तो तुलसी को सामने बैठ करके हरिनाम करो, हृदय से पुकार करके, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, हृदय से पुकार पुकार करके हरिनाम करो, जरूर कुछ अनुभूति होगी, जरूर तुम्हें अनुभूति होगी, और वो जो अनुभूति होगी ना, फिर आप कभी जिंदगी में भगवान के नाम नहीं छोड़ोगे, भले ही संसार तुम्हारी छूट जाएगी, दुनिया छूट जाएगी, लेकिन ये हरिनाम कभी नहीं छूटेगी। बोले क्यों, क्योंकि भगवान के नाम के हृदय से तुमने भगवान के नाम लिए हो, भगवान की प्रभुपाद कहते हैं हृदय से तुम भगवान का नाम लिए, उसमें क्या होता है, जब हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं ना, सच दिल से रो रो करके उसको कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ कुछ अनुभूति होती है, लेकिन जब कुछ अनुभूति होती है ना, वो अनुभूति ऐसे के दिव्य अनुभूति है, वो अनुभूति होने पर फिर वो व्यक्ति कभी प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन हम लोग हरिनाम करते कुछ दिन बाद में तिलक माला कंठी बंटी हमारी सब उतर जाती, सबके सब उतर जाती, कारण क्या है, क्या कमी, क्या भगवान का नाम में ना कमी, हमारी अंदर में कमी, हमारी अंदर में, इसलिए क्या करो, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बैठ करके कुछ समय है, कहते हमारी अनुभूति क्यों नहीं होता है, हाँ हरि नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, अरे क्या कर रहे इधर आओ, हरे कृष्ण अरे तुम क्या कर रहा था, कद जैसे हरिनाम करनी चाहिए ना, हम वैसे हरिनाम नहीं कर रहे हैं, हरिनाम वैसे हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए 10 तरह का नाम अपराध है, उसमें एक अपराध है हरिनाम करते समय दूसरा चिंतन, हरिनाम करते समय दूसरा चिंतन, अगर हरिनाम करते समय अगर दूसरा चिंता करोगे, फिर भगवत चिंता नहीं करोगे, फिर अनुभूति कैसे होगा, इसलिए क्या करो, माला लेकर के थोड़ी समय बैठो। आप बताओ अब हीरो कमाने के लिए कितना समय कमाते हो, कितना समय लगाते हैं, 25 साल तक तो पढ़ाई किया, 25 साल तक पढ़ाई किया, कुछ भी कोई सब्जेक्ट हो, CA डॉक्टर इंजीनियर, 25 साल तक किया, अभी कितना घंटा काम करते हैं, 10-10 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा काम करते हैं, तभी जा करके कोई हीरो हमें मिलता है। अभी किसी व्यक्ति को पूछ लो,
तुमने इतना परिश्रम करके ईरो कमा करके क्या संसार में सुखी हो? आप बताओ, संसार में कोई सुखी किसको पूछ लो तुम सुखी हो? कोई बोलेगा हम संसार में सुखी है, कोई बोलेगा बॉयफ्रेंड से दुखी, कोई बोलेगा गर्लफ्रेंड से दुखी, कोई बोलेगा बीवी से दुखी, कोई बोलेगा पति से दुखी, कोई बोलेगा बच्चे से दुखी, कोई बोलेगा काम से दुखी, कोई बोलेगा मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, दुखी 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 बोलोगे हैं, दुखी दुखी। भैया तुम इतने परिश्रम करके जब तुम सब कुछ करके दुखी हो, लेकिन जिसमें सुख है ना, तब भगवान की भक्ति में अगर एक बार प्रभु की भगवत प्राप्ति हो गया ना, सारे दुख तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अभी जिसमें असली सुख है, हाँ, जिसमें असली सुख है, तो उसके लिए कुछ समय देनी चाहिए कि नहीं? कुछ समय देनी चाहिए ना उसके लिए, उसको देख। तब जिसमें दुख ही दुख है, देखो और एक चीज समझो, गुरु जी कहते थे, आप देखना संसार में हम जो कुछ काम करते हैं ना, अपना लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा, अपना लिए कम करते दूसरे के लिए ज्यादा करते हैं। संसार में अक्सर करके जो काम करते हैं, अपना पत्नी को कैसे खुश करे, बच्चों को कैसे खुश करे, माँ को कैसे खुश करे, परिवार को कैसे खुश करे, देखना अपना लिए तो बहुत कम, दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं। अभी तक बताओ संसार में कोई तुम्हारे ऊपर खुश हुए है? अभी तक कोई संसार में तुम्हारे ऊपर सबके लिए कर रहे हो, कोई तुम्हारे ऊपर कोई खुश हुए अभी से पूछ लो, कोई खुश है? देखना सबके सब तुम्हारे ऊपर नाराज हो, ऊपर से हाँ हाँ करते हैं, पीछे से चुगली करते हैं, तुम्हारे पीछे सबके सब तुम्हारी चुगली करते हैं। जो भैया उसी के लिए इतना करते हो जिसमें परम शांति परम आनंद मिलेगा भगवान भक्ति, तो उसके लिए तो थोड़ा समय देनी चाहिए कि नहीं? लेकिन हम उसके लिए समय नहीं देना चाहते हैं, दूसरे समय। इसलिए प्रभुपाद कहते भैया कुछ समय बैठो, प्रभुपाद कहते कुछ समय बैठो, बैठ कर अच्छे तरह से एक जगह पर जम करके बैठो और हृदय से रो रो करके, हृदय से पुकार पुकार करके, हम श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, कभी हमने गुरुदेव का सेवा की? देख गुरुदेव जब हरिनाम करते थे ना, एकदम सवेरे सवेरे उठ करके 2:30-3 बजे उठ जाएंगे, हाथ धो लेंगे और अपना खटिया को बैठ जाएंगे और माला ले लेंगे, हैं गुरुदेव माला ले करके। और नियम है जितने सवेरे हरिनाम कर सकते उतना बढ़िया, देखना मन अपने आप लग जाती है, मन अपने आप सवेरे हरिनाम कर मन अपने आप लगती है, दिन होने पर शरीर में रज गुण आती हैं, मन फिर इधर उधर भटकना शुरू हो जाती है। लेकिन सवेरे सवेरे जब हरिनाम करो शरीर में सात्विक गुण रहता है, सत्व गुण रहती है, मन देखना अपने आप मन भजन में लगता है, हैं। अब देखना सवेरे हरिनाम करो, जल्दी जल्दी हरिनाम भी पूरी हो जाती है जल्दी जल्दी, और दिन भर माला लेकर बैठो ना, दिन भर पूरी करना कठिन होता है, लेकिन सवेरे सवेरे जितना हरिनाम कर लो बस मन उसमें अपने आप लग जाती है। इसलिए मैंने देखा गुरुदेव को बैठ करके हृदय से गुरुदेव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरुदेव पुकार पुकार करके हृदय से पुकार पुकार करके, हे राधे हरे कृष्ण, मतलब हे राधे हे कृष्ण हम आपका ही सेवक है। लेकिन आपको भूलने का वजह से संसार में आकर के दुख कष्ट उठा रहे, पुनः अपना सेवा में हमें लगा दो, पुनः अपना सेवा में हमें अधिकार प्रदान करो। इसलिए हरिनाम को नियम से और कुछ समय अच्छे समय निकालो, जिस समय में बैठ करके हृदय से हरिनाम करना, ठीक है ना? इसलिए माला के लिए थोड़ा समय निकाल करके हरिनाम करो। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हाँ देखो, जब मैंने पिछली बार आया था ना आपको, मैंने माधुर्य कादंबिनी मैंने सुनाया था, इसलिए हम तो 2 दिन तक प्रभुपाद की कथा सुने, गौरव गोविंद महाराज जी कथा सुने, अभी 2-3 दिन माधुर्य कादंबिनी कथा सुन लेते हैं, ठीक है? हम लोगों ने मैंने बताया था जो ग्रंथ है हमारी संप्रदाय में, ये एक अनमोल ग्रंथ है, द्वितीय ग्रंथ है, इसे मिलना कठिन, अद्भुत ग्रंथ है, जिसको श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने रचना की है, इसलिए इसका नाम क्या है, माधुर्य कादंबिनी। माधुर्य कादंबिनी मतलब क्या, माधुर्य मतलब होता है मधुरता, मीठा,
है, मीठा है। और कादंबिनी मतलब होता है जो बरसाल मेघ, जो अभी अभी जो बरसा एकदम घना जो मेघ है इसको कहते हैं कादंबिनी। कहते किस चीज की ये कादंबिनी मेघ है, बोले ये माधुर्य कादंबिनी। माधुर्य मतलब कादंबिनी, कहते वो मीठा क्या है, हैं जगत में मीठा क्या है। इसलिए श्री कवि जयदेव कहते हैं बोले साध्वी माधिक कह रहे हैं जगत का जितना माधुर्य है तब तक ये दुनिया की चकाचौंध है, दुनिया की जो चकाचौंध तब तक प्रेम माधुर्य को आस्वादन नहीं कर लेता हो। माधुर्य है मधुर होता है, कहते रस तेरे तरफ में और कोई नहीं देखेगा, तेरे तरफ में कोई नहीं देखेगा। बोले अमृत कृष्ण का जो प्रेम जगत का राधा जी, अगर चैतर आवेग होय छे एना प्रेम पर चार दुरमती अति पतित पासंडी प्राणी न मारिल करे हरि नाम दिया हृदय शोधिल जाची गिया घरे घरे हे मान गौरवी नानी हार। इसलिए ब्रह्मानंद ठाकुर कह रहे हैं बोले हे मान गौरव नहीं यार, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जगत में ऐसे कोई अवतार हुए ही नहीं। बोले है ना अवतार अभी ऐसे कोई इतने दयालु किसने कभी देखे हो। इसलिए रूप गोस्वामी कहते नमो महाबदन्नाय, महाप्रभु कौन है, सबसे बड़े दाता महाप्रभु है, महाप्रभु सबसे बड़े दयालु श्री महाप्रभु। बोले कर रावण ने कुछ उल्टा पुल्टा किया ना, उठाया धनुष लंका समेत खत्म, लंका समेत 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, एक को नहीं रखा देने के लिए बाती। इसलिए उन्होंने किसको बत्ती देने के लिए, उन्होंने किसको रखा नहीं, सबको उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जब आए बोले दूर मति अति पतित पाषंडी प्राण ना मारी लोकारी। लेकिन महाप्रभु इतने दयालु, इतने दयालु, जितने बड़े पापी क्यों नहीं हुए, महाप्रभु किसको मारे ही नहीं, किसी को भी उन्होंने जान से नहीं मारे हैं, सबका हृदय में प्रेम भर दिए, सभी को ऊपर कृपा करके महाप्रभु ने सबको प्रेम दिए हैं। इसलिए लोचनदास ठाकुर क्या कहते हैं, दयालनी ताई चैतन्य बोले नाचरे अमर मन, दयाल तो नहीं मार के
जावे पावे प्रेमाधर दयाल नीताय चैतन्य बोल आचार्य मारमा दयाल नीताय चैतन्य बोल आचार्य मारमा। इसलिए वो कहते हैं मेरा जो मन है कहते महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम को लेकर नाच उठे। बोले क्यों कारण किया? बोले एमन दयाल तो नाही है मार खे प्रेम दिए। ऐसे अवतार कभी देखे हो जो मार खा करके भी माधाय ने सर फोड़ दिए? वो कहते मेरे ची कल सिर काना ताई बोली कि प्रेम दीवना। भले ही तुमने सिर फोड़ दिया भैया कोई बात नहीं, इसलिए क्या मैं तेरे को प्रेम नहीं दूंगा? एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जोर जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले बस एक बार हरि का नाम लो। हाँ इसलिए कहते हैं ओ नामे अपराध विचारत नहीं ये अपराध विचारत ऐसे अपराध दूरे जावे पावे प्रेमाधर अपराध दूरे जावे पावे प्रेमाधर ऐसे वृंदावन राधा स्वामी पाद दर्शन से वृंदावन राधा स्वामी पावे दर्शन दयाल नीताय चैतन्य बोल आचार्य मारमा दयाल नीताय चैतन्य बोल आचार्य मारमा। इसलिए कहते ओ नामे अपराध विचार तनाई कहते भगवान हरि कृष्ण महामंत्र जब तो अगर आपका अंदर में अपराध है लेकिन वो नाम लेने पर भी प्रेम नहीं होगा। अगर अपराध युक्त अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं लेकिन प्रेम नहीं होगा, लेकिन वो नाम अपराध विचार तो नहीं है, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु का नाम लो। लेकिन नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का नाम लो बस आंखों से आंसू झरना हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना गौरांग बोली ते हवे पोलक हरि हरि बोली याने बाबे गौरांग बोलता है पुलक शरीर। जब गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हो क्या होगा? शरीर अपने आप शरीर में पुलकित तो हो जाएगा, आपका रोमांच हो जाएगा और आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते भैया महाप्रभु जैसे जगत में कोई दयालु है नहीं, किसको उन्होंने मारे ही नहीं, किसको जान से किसको नहीं मारे, सभी का हृदय उन्होंने प्रेम दे दिया। सभी का हृदय उन्होंने प्रेम दे करके हृदय को परिवर्तन करके उन्होंने हैं। इसलिए भले मेरे ची कले से कहना, इसलिए भले ही तुमने सर फोड़ दिया लेकिन ताई बोली कि प्रेम दीवना, इसलिए कि मैं तुमको प्रेम नहीं दूंगा। भैया सबको मैं प्रेम दूंगा, सबको मैं प्रेम दूंगा, सबके सब लो। इसलिए कहती जो ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा है माधुर्य कादम्बिनी, किस चीज के मेघ है वो? किस चीज के मेघ है? बोले मधुरता की, हाँ प्रेम की मेघ है। अरे वो किसका प्रेम है? बोले श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का ही वो मेघ है। इसलिए वो जो ग्रंथ का नाम है, इसलिए हम लोगों ने पिछली बार हम लोगों ने बहुत बहुत कथा सुने थे। अभी भैया कितना टाइम हो गया? टाइम न बज गया, बाबा न बज गया। ठीक अभी खत्म कर देना और 20 मिनट सुन सकते हो है? हरे कृष्णा। इसलिए कहते ये ग्रंथ का नाम हम लोगों ने पिछले बहुत बहुत कथा सुने थे, आप लोगों ने सुने थे, लेकिन अभी उसको आगे की कथा सुनते हैं। यहाँ पर जो भक्ति को उन्होंने एक लता को साथ में उदाहरण दिया है, भक्ति एक लता है, लेकिन ये जो भक्ति लता है, लेकिन लता कब होगा? जब उसमें बीज हो। बीज वगैरह कभी लता हो ही नहीं सकती है। कहते वो बीज क्या है? वो बीज है क्या चीज? कहते जो बीज है ये श्रद्धा ही है भक्ति जगत का सबसे जो पहला जो स्टेज है। कहते ये श्रद्धा है
बोले श्रद्धा मतलब क्या है, बोले श्रद्धा तो अन्न उपाय वर्जनम। इसलिए श्रद्धा जो है, कहते श्रद्धा दो तरह का है, कहते एक लौकिक श्रद्धा और एक पारमार्थिक श्रद्धा। कहते ये दो तरह की श्रद्धा है। कहते लौकिक श्रद्धा मतलब कैसे, जैसे साधारण रूप में भगवान की कथा में हमारी श्रद्धा, भगवान भक्ति में हमारी श्रद्धा है। लेकिन ये जो लौकिक श्रद्धा है ये कभी कभी डगमगाती है, ये लौकिक श्रद्धा कभी कभी ये डगमगाती है। लौकिक श्रद्धा अगर हम भजन कर रहे हैं, अगर जीवन में थोड़ी सी कोई इधर उधर चीज आ जाए ना, जीवन में कोई अनहोनी थोड़ी सी इधर उधर आ जाए, अब देखना पहले खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, पहले माला छोड़ देंगे, पहले माला छोड़ देंगे पहले। हाँ बोले हमने भगवान की इतना भजन किया और ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया है, इसलिए सबसे पहले किसी को छोड़ देंगे। मतलब पहले माला छोड़ने के लिए ना पहले तैयारी हम बैठे, लेकिन खाना छोड़ने के लिए नहीं, सोना नहीं, घूमना छोड़ने के लिए नहीं, इसलिए माला छोड़ने के लिए। इसलिए कहते इस श्रद्धा का है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताए तीन तरह के वैष्णव है। कितने तरह के है, क्या क्या है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। इसका लक्षण कोई बता सकते हैं, कनिष्ठ मध्यम उत्तम का कोई लक्षण बता सकते हो? उज्जय सर बताओ, कनिष्ठ वक्त का मध्यम उत्तम क्या लक्षण है, बोलो। तो बोलो तुम डज में बोलो जोर से। अब तुम बकता हो, हाँ इंग्लिश में, इंग्लिश में बोला, हाँ फिर मैं समझ पाऊंगा। कनिष्ठ अधिकारी क्या बताए, मेरे समझ में नहीं आया। All the knowledge of the scriptures. The second Uttam Adhikari, 24 hours he is engaged in the Astakalya Lila of in Gulok Vridavan. You pronounce by doing, you have to pay his obeisances to do pranam, you have to do seva, and you have to. Okay. Okay, thank you. हरे कृष्ण। हाँ देखो, हाँ चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत वहाँ पर जो लक्षण बताए, वहाँ पर दो तरह का लक्षण बताए, और भागवत में और एक तरह का लक्षण बताए। हाँ सुन लो फिर कल मेरे को सुनाना, ठीक है। इसलिए कहते जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त है वो भक्ति तो करता है, लेकिन जिसका भक्ति डामाडोल सा भक्ति है, कभी हरि नाम कर लेगा, कभी हरि नाम करेगा नहीं, कभी कभी सवेरे सवेरे उठ जाएगा, माला जप कर भर मूवी देखते रहेगा और उठेगा 9-10 बजे कभी कभी, और उठकर किसी तरह खा करके हरिनाम परिनाम कुछ नहीं, बस सीधा अभी चले गए हैं। इसलिए जिसका भक्ति तो करता है, लेकिन वो कभी कभी करता है, कभी कभी भक्ति नहीं करता है। जिसका जो भक्ति बड़े डामाडोल सा भक्ति है, जिसकी भक्ति में कोई निष्ठा नहीं है, इसको बताए ये कनिष्ठ अधिकारी है। कहते मध्यम अधिकारी कौन है, कहते मध्यम अधिकारी हुए हैं की भक्ति है, टाइम से सो जाएंगे, टाइम से उठेंगे, रोज ठाकुर जी को स्नान कर आरती उतारेंगे ठाकुर जी को, रोज तुलसी परिक्रमा करेंगे, रोज अपना तिलक को रोज लगाएंगे, रोज अपना गुरु मंत्र जप करते हैं, रोज नियमित पूर्वक अपना हरिनाम को ठीक ठीक से कर लेते हैं। जो अपना जो साधन है ना, कि जिसका साधन
बड़े पक्की साधन है, जिसका साधन डामाडोल साधन नहीं है, जिसका साधन डामाडोल साधन नहीं, जिसका साधन एकदम पक्की साधन है। कहते ये कौन है? कहते ये मध्यम अधिकारी। कहते ये उत्तम अधिकारी कौन है? बोले उत्तम अधिकारी हुए हैं जिसका साधन तो पका ही है, एकदम पक्की साधन, एकदम संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, जैसे गोस्वामी लोग करते थे, रोज संख्या पूर्वक अपना नाम करेगा है, रोज संख्या पूर्वक सवेरे उठ करके जो जय ध्वनि हम देते हैं है, जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वी का, गिरधारी राधा विनोद बिहारी जीव की, नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविष्ट शिल भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जो अपना जो साधन भजन है, रोज नियमित पूर्वक राम नाम, रोज भजन कीर्तन, एकदम पूरा अपना साधन भजन को तो एकदम पक्की एकदम, और क्या करते हैं दूसरों को भी अपना भजन तो पक्के रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी हरि कथा के द्वारा दूसरों को भी भगवान की भक्ति में जो लगा दे, अपना भजन भी पक्की है और दूसरों को भी समझा बुझा करके दूसरों को भी जो भगवान की भजन में लगा देते हैं, वो कौन है? कहते श्री ये उत्तम। कहते ये एक तरह का हो गया। दूसरे तरह का कहते महाप्रभु जो जो खंडवासी भक्त लोग थे, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में आते थे, रथ यात्रा दर्शन करके जब ये वापस जाते थे तब महाप्रभु को प्रश्न करते थे, बोले प्रभु वैष्णव का क्या लक्षण है, हैं वैष्णव का कनिष्ठ मध्यम उत्तम वैष्णव का क्या लक्षण है, तब उन्होंने महाप्रभु को प्रश्न करते थे। तो महाप्रभु हर साल एक साल में उन्होंने कनिष्ठ भक्त का लक्षण बताए, दूसरे साल में मध्यम भक्त का लक्षण, और तीसरा साल में उन्होंने उत्तम भक्त का लक्षण महाप्रभु बताए। इसलिए महाप्रभु बोले देखो कनिष्ठ भक्त हुए हैं जो हरिनाम कभी कभी हरिनाम करते हैं, कभी कभी ये कनिष्ठ भक्त है। दूसरे साल में जो बताए मध्यम भक्त का लक्षण क्या है, बोले मध्यम भक्त का लक्षण है जो 24 घंटा में 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, धीरे धीरे घुमाओ, हरे राम इतना तेज में नहीं, राम राम हरे हरे। इसलिए कहते ये मध्यम भक्त है। कहते उत्तम भक्त कौन है? बोले जिसको दर्शन मात्र से ही है, दर्शन मात्र से ही क्या हो जाता है, अपने आप हरिनाम निकलता है, जिसको दर्शन मात्र से ही जी पवित्र होता है, दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारे गुरु, केवल दर्शन मात्र से ही जीवों को वो पवित्र कर देते हैं, अपने आप तुम्हारी जीवा में प्रभु का नाम उच्चारण होने लग जाएगा। कहते ये उत्तम भक्त है। ये चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु तीनों साल में अलग अलग बताए। कल भागवत में क्या लक्षण बताए, हाँ भागवत में भी तीन तरह का वैष्णव का लक्षण बताए। बोले कनिष्ठ अधिकारी कौन है? बोले अर्चया मेव हरए जब पूजा श्रद्धयते न तद भक्ते सुचान्यसु सभक्त प्राकृत स्मृत है। कहते ये कनिष्ठ अधिकारी कौन है? बोले कनिष्ठ अधिकारी यो है। कहते ये है जो अर्चा विग्रह अर्चया मेव हरय जब पूजा श्रद्धायते न तद भक्ते सुचान्यसु, जो अर्चा विग्रह है ठाकुर जी को है, बड़े श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी को पूजा सेवा करते हैं, साक्षात भगवान मान करके ठाकुर जी को सेवा पूजा करते हैं, साक्षात भगवान मान करके बड़ी श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक अपना पूजा सेवा ठाकुर को करते हैं, लेकिन न तद भक्ते सुचान्यसु, लेकिन उनका जो भक्त है ना, उनका भक्तों को इतने आदर नहीं करते हैं, उनकी भक्तों का इतना आदर नहीं करते, आदर किसको करते हैं, अर्चा विग्रह को, उसको आदर करते, लेकिन उनकी भक्तों का आदर नहीं करते हैं। इसलिए भागवत में श्री इंद्रदुम्न महाराज की कथा दिखाई है, जिस समय श्री इंद्रदुम्न महाराज
ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे, सालग्राम की पूजा कर रहे थे, इतने में अगस्त ऋषि आ गए। अगस्त ऋषि आए तो बोले आए बैठ जाएंगे, आए तो बैठ जाएंगे, अभी तो मैं ठाकुर को पूजा कर रहा हूँ, अभी तो मैं सालग्राम को पूजा कर रहा हूँ, आए बैठ जाए कोई बात नहीं। इसलिए लेकिन उन्होंने अगस्त ऋषि को सम्मान नहीं किया। इतने में श्री अगस्त ऋषि ने देखा, हाँ अच्छी बात है तुम ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे हो, लेकिन लगता है तुम जो ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे हो ना, तुमने किसी शुद्ध परंपरा में, किसी वैष्णव परंपरा में तुमने ठाकुर को सेवा पूजा को नहीं सिखाए, शुद्ध वैष्णव परंपरा में तुमने नहीं आए, किसी साधु की आनुगत्य में तुमने भक्ति करना नहीं सीखे हो। इसलिए हाथी जैसे, हाथी को देखा ना मस्त चलता है एकदम पूरा, हाथी जैसे मस्ती में चलता है, इसलिए तुम वैष्णव को देख करके भी आदर नहीं किया, जाओ तुम हाथी बन जाओ। लेकिन पूजा किसको कर रहे थे, ठाकुर जी को। ठाकुर बचाया उनको, ठाकुर उनको नहीं बचाया ठाकुर जी। बोले क्यों, भगवान भी कहते हैं मेरा पूजा से मत भक्ता पूजा व्यधिक सर्वभूतेश मनमति, मेरी पूजा से भी मेरी भक्तों का आदर श्रेष्ठ है, मेरे से भी मेरे भक्तों का आदर श्रेष्ठ है। जो मेरे भक्तों का आदर नहीं करते हैं मैं उनका पूजा को स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए कहते सिद्धिरी भवती वा नेति संशय अच्युत से बिना, भगवान खुद कहते हैं जो मेरी पूजा करता है मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ तुम मेरे को प्राप्त करोगे, कोई गारंटी नहीं। पूजा जो करता है, मेरे भक्तों की जो सेवा करता है, बोले नी संशय च अत्र, वो मुझे प्राप्त करने में कोई संशय नहीं, वो एक दिन मेरे को प्राप्त करेगा ही, क्यों भक्तों का हृदय में ही मैं रहता हूं। इसलिए कहते हैं जैसे श्री बलदेव प्रभु जब नैमिषारण्य में पहुंचे, वहां पर श्री लोमहर्षण सुत है, सुत दो है, एक है उग्र सभा सुत और एक लोमहर्षण सुत, सुत दो तरह के है। लेकिन वहां पर जो लोमहर्षण सुत वो पुराण सुना रहे थे ऋषि मुनियों को, वहां पर आए आए लाए कोई बात नहीं, बलदेव प्रभु ना, इसलिए मैं कथा सुना रहा हूँ ना, भगवान की कथा सुना रहा हूँ। इसलिए उन्होंने बलदेव प्रभु का आदर नहीं किया, लेकिन है मैत्री, कहते भक्तों को साथ में मित्रता करते हैं। ईश्वर तद अधिनेसु बालिस, बालिस मतलब जो अज्ञा व्यक्ति है उनको ऊपर में कृपा करते हैं, लेकिन जो द्वेषी व्यक्ति है बल उसको उपेक्षा करते हैं। कहते ये मध्यम अधिकारी की ये चार ही तरह का उनका लक्षण है, चार ही तरह का उनका व्यवहार है। भगवान भी प्रेम है भक्तों का प्रति, हाँ भगवान की ईश्वर प्रेम मैत्री है भक्तों का प्रति मैत्री, और दुष्टों को उपेक्षा, और जो उनसे जो नीचे व्यक्ति के ऊपर में कृपा, कहते उनकी ये चार लक्षण है। कहते जो उत्तम वैष्णव, कहते उत्तम वैष्णव का लक्षण क्या है, बोले सर्वभूतेषु जब पश्येत भगवत भावात्मन, सभी का हृदय में कहते स्थावर जंगम देखे ना देखतार मूर्ति, कहते पेड़ पौधा इंसान नहीं देखते हैं, सभी के हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान का जो निवास है, सभी के हृदय में जो भगवान की जो निवास है वो ठाकुर जी को दर्शन करते हृदय में हैं, सभी के हृदय में भगवत दर्शन करते हैं, इसलिए भगवत दर्शन करने का नाते वो सबको प्रणाम करते हैं, हैं सबको वो प्रणाम करते हैं, सबको सबको आदर देते हैं। कहते ये तीन तरह का वैष्णव है, हैं तीन तरह का वैष्णव है। इसलिए हाँ हरे कृष्ण,
इसलिए कहते माधुर्य खादवनी ग्रंथ में वहां पर बताए हाँ, हम हाँ, कहते भक्ति एक लता है, पहले श्रद्धा, और श्रद्धा दो तरह का है, एक लौकिक श्रद्धा और एक पारमार्थिक श्रद्धा। जो लौकिक जो साधारण श्रद्धा वो डामाडोल सा भक्ति है, लेकिन जो परमार्थिक श्रद्धा है कहते भैया वो पक्की श्रद्धा है। श्रद्धा तो अन्य उपाय वर्जनम है, इसलिए श्रद्धा जब भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा हो जाता है ना, अन्य उपाय वर्जनम, वो संपूर्ण रूप में भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, है? संपूर्ण रूप में भगवान के प्रति शरणागत, जैसे श्री माधवेंद्रपुरी पाद है, है? माधवेंद्रपुरी वो 24 घंटा में 24 घंटा क्या करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की नाम कीर्तन करते थे। और अजाचक वृत्ति था, कभी किससे नहीं मांगते थे, कभी किससे मांगते नहीं थे, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था गुप्तृते वर्णम तथा, भगवान जरूर हमें पालन करेंगे। एक चिट्टी से लेकर के हाथी तक जो पालन करते हैं, जो उनको भजन करे नहीं करे, जब वो पालन करते हैं, मैं उनका भक्ति कर रहा हूँ, क्या ठाकुर हमें पालन नहीं करेंगे? जिनके अंदर में पूर्ण विश्वास भगवान के प्रति, पूर्ण विश्वास जिनको था, इसलिए 24 घंटा हरिनाम करते थे। जब एक दिन उनको कुछ मिला ही नहीं, भोजन करने के लिए कुछ उनको मिला ही नहीं, ठाकुर स्वयं बालक बन करके आ गए, कृष्ण स्वयं बालक बन करके मटके में दूध लेकर के आए। बोले बाबा बाबा तुम भूखे बैठे हो, लो ये दूध पिया करो। तब उन्होंने पूछा तुमको कैसे पता चला मैं भूख में बैठा हुआ हूँ? बोले देख ये गांव में ना ब्रज में कोई भूखे नहीं रहते हैं, कोई तो मांग करके खाते हैं, और जो मांग करके नहीं खाते हैं ना मैं उनको स्वयं खिलाता हूँ। यहाँ पर कुछ गोपियाँ पानी भरने के लिए आई थी और देखा तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो भजन कर रहे हो, इसलिए उन्होंने हमें ये दूध दे करके भेज दिया, जाओ पीलो, मैं गैया चराने जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा ना ये मटकी रख दिया करना, और ये मटकी को मैं बाप करते हाथ जोड़कर खड़े रहे। जब कृत्या आई, इतने में सुदर्शन चक्र प्रकट होकर के पहले वो कृत्या को मार करके फिर इनको पीछे भागी, और ब्रह्मलोक उनका शिव लोक उनको बैकुंठ लोक तक भी उनको भगाते भगाते बैकुंठ लोक तक ले गया, भगवान भी रक्षा नहीं की। इसलिए कहते जो श्रद्धा है, कहते ये श्रद्धा भक्ति का बीज श्रद्धा है, यहीं से ही ये भक्ति शुरुआत, भक्ति यहीं से आती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी अंदर में परमार्थिक श्रद्धा हो। परमार्थिक श्रद्धा मतलब है भले ही दुनिया हमारी छूट जाए, लेकिन गुरु वैष्णव जीवन में नहीं छूटे, कभी भक्ति जीवन में नहीं छूटे, भगवान की भजन कभी हमारे जीवन में नहीं छूटनी चाहिए। भले ही सारा दुनिया हमारी, एक दिन तो दुनिया छूटेगा ही, लेकिन भगवान की भजन कभी हमारे नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए ये भक्ति एक लता है, यही भक्ति बढ़ते 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 धीरे 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 ऊपर जाती हैं। इसलिए भक्ति मिलती है कैसे, भक्ति ये मिलेगी कैसे, भक्ति समय हो गया ना, हाँ इसलिए कल हम सुनेंगे इसको, इसको आगे हम सुनेंगे कल, ठीक है, इसको हम आगे सुनेंगे। ये भक्ति मिलती है कहाँ से, हैं भक्ति कहाँ से आती है, ये भक्ति कल इस विषय पर सुनेंगे। बोले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, बोले श्री माधुर्य कादम्बिनी की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। माताजी भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। आरती आरती करेंगे, आरती आरती करो।